हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टू स्टडी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं कूलाम का नियम। ये क्या है दोस्तों, 12th क्लास फिजिक्स में से पहले चैप्टर में से है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में से है। तो आज के इस कूलाम के नियम को पढ़ लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य, देखिए फ्रेंड्स ये Q1 और Q2 ये क्या है, दो बिंदु हैं, इसके भीतर आवेश मध्य लगने वाला विद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे क्या कहते हैं, इसे ही हम कूलाम का नियम कहते हैं। अब क्या है दोस्तों, देखिए माना दो समान आवेशों से आवेशित कण प्लस Q1 व Q2 हैं, ये एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं। कि क्या दूरी पर स्थित हैं दोस्तों, r दूरी पर स्थित हैं। अद्य उनके मध्य लगने वाला विद्युत प्रतिकर्षण बल क्या है, F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। बताए ना दोस्तों, व्युत क्रमानुपाती होता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2। तो वहाँ F प्रोपोर्शनल की 1/r² के बराबर होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हो जाता है F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बटे r². अगर दोस्तों हम इसको प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हम ये कहीं नियतांक लगाते हैं, इसे कहते हैं A या K भी लगा देते हैं। अतः F बराबर A Q1 Q2 बटे r², ये पहला पॉइंट हो गया है। देखिए दोस्तों, जहां A क्या है, समानुपाती नियतांक है। देखिए दोस्तों, यदि दोनों आवेश निर्वात में स्थित हों तो क्या सूत्र लगता है, अगर दोस्तों दोनों आवेश निर्वात में हों तो ये हो जाएगा A बराबर 1/4πε₀ हो जाएगा। ε₀ निर्वात की वैद्युशीलता है। यदि दोनों आवेश के मध्य लगने वाला बल F₀ हो तो समीकरण 1 से क्या हो जाता है दोस्तों, 1/4πε₀ × Q1/Q2r². यहाँ आ जाता है दोस्तों लास्ट में, यही कहते हैं कूलाम का नियम। इसको आप अगर बताए तो बोर्ड एग्जाम में पूछे कूलाम का नियम लिखिए या इसमें परिभाषित कीजिए, इसको समझाइए, तो ये लिख देना है आपको, है ना दोस्तों। आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत, और अगले वीडियो में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। वीडियो को आज ही हम ख़त्म करते हैं।